بسم الله الرحمن الرحيم. Take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. Recognize the excuses are not valid. You have time. You have the skill. You have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. Begins with a challenge. If you want it, you gotta go. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. It's grind season, homie. एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान आर्मी के मार्क्समैन यूनिट के तावुन से जहलम में पहली एएसएफ नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद किया, जिसका सहरा एएसएफ के डीजी जनाब मेजर जनरल जफरुल हक के सर जाता है। वाली ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 29, 30 और 31 मार्च तक जारी रही।
इस चैंपियनशिप में एएसएफ के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी, नेवी और मुल्क के तमाम सूबों से 150 के करीब माहिर निशानाबाजों ने हिस्सा लिया और अपनी निशानाबाजी की महारत के भरपूर जौहर दिखाए, जिसमें लॉन्ग रेंज 800 यार्ड, लॉन्ग रेंज 600 मीटर, ट्रैप और स्कीप के मुकाबले शामिल थे। इस चैंपियनशिप में पूरे मुल्क से माहिर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और फोर्सेस के साथ साथ सिविलियंस ने भी शानदार खेल का मुजाहिरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जिस तरह दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहे, हमें इक्तसादी तौर के ऊपर और माशी तौर के ऊपर एक और नए दौर के अंदर दाखिल होते हुए पाकिस्तान की जो कौमी एक वो एक तशख्स है और उसके दिफा की खातिर सारी की सारी अकवाम, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो सराइकी इलाके से हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो कश्मीर से हैं, चाहे वो बरहवी हैं, उन तमाम ने पाकिस्तान की यकानगत की खातिर यक जबान यक आवाज़ उन्होंने उस इतिहाद का अमली तौर के ऊपर सबूत दिया है। आज ही आप मिसाल देख लें, मेरे साथ सारे हमारी लगारी कौम के बलोच भाई इस वक्त जनरल साहब के इस बेहतरीन ऐसन इकदाम की तरफ, जो उन्होंने एएसएफ का ये एक ऐसे मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान और भारत में इंतहाई कशीदगी अभी तक पाई जा रही है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के दिफा की खातिर ये तमाम लगारी भाई बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्ग रेंज कॉम्पिटिशन में 800 गज़ और 600 मीटर के मुकाबले में हिस्सा लेने की खातिर एक हो के मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं। अपने वेपन्स के ऊपर मैंने, अपनी गोलियों के ऊपर इनको मैंने राइफल स्कोप के साथ शूट करने के लिए इतना माहिर बना दिया है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुकाबले के अंदर आज फौज के टॉप मार्क्समैन के साथ ये हिस्सा शाना बशाना इंशाल्लाह लेंगे और किसी सूरत में ये पीछे नहीं रहेंगे जब नतायज सामने आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।
Gentlemen, last 1 minute. Last 1 minute. Gentlemen, last 1 minute. Stop fighting! Stop fighting! ये अपनी अपनी राइफलें छोड़ दें प्लीज और फायरिंग पॉइंट छोड़ें ताकि दूसरी डिटेल आ सके मिस्टर मोहसिन नवाज फायरिंग पॉइंट नंबर 9 कल जुनेद वकास इकबाल फायरिंग पॉइंट नंबर 2 अवदार सफीर इज एट फायरिंग पॉइंट नंबर 13 वरीद गिल साहब इज एट फायरिंग पॉइंट नंबर 5 मिस्टर जमाल लघारी इज एट फायरिंग पॉइंट नंबर 11 मेजर रिटायर्ड राजा अली इज एट फायरिंग पॉइंट नंबर 4 मिस्टर महफूज हुसैनी इज एट फायरिंग पॉइंट नंबर 6 Sayyid Asif Kamal is at firing point number 15. Mr. Abdul Rahman Khan is at firing point number 10. Major General Zafrul Haq is at firing point number 12. Mr. Huzaifa Gill at firing point number 3. Mr. Farooq Zamani at firing point number 8. Dr. Faisal at firing point number 7. Mr. Sharif Qureshi at firing point number 1. And Major Umar Farooq at firing point number 14. And last, Havandar Lukman at firing point number 10. Gentlemen, we are going to start off with the final shortly. So please occupy your firing points as per the announcement. जो हमने फर्स्ट एएसएफ शूटिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे जेलम में ऑर्गेनाइज़ की है ये बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई है इसमें पूरे मुल्क से 150 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया और इस चैम्पियनशिप को कंडक्ट करने में हमें आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया और इसमें हमने चारों सूबों से जो शूटर्स जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया ये नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी हमें मदद करेगी और इसके अलावा ये हमारे एएसएफ के जो ट्रुप्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए उनकी इंशाल्लाह फायरिंग स्किल के लिए ये एक संगे मील की हैसियत रखती है तो इंशाल्लाह हम एएसएफ में ट्रेनिंग शूटिंग इन चीज़ों पर और भी तवज्जो देंगे और मुझे यकीन है कि हम एएसएफ के जो शूटर्स हैं वो आगे नेशनल चैम्पियनशिप्स में भी मेडल भी लेंगे फोर्सेस के अफसरानों जवानों के साथ साथ मुल्क की मारूफ शख्सियात जिनमें साबका सैनिटर सरदार जमाल खान लगारी जनाब अब्दुल हक महफूज उर्सानी फारूक निज़ामानी अब्दुल मुनीम खान चांडियो और कई दूसरी मारूफ शख्सियात ने निशानाबाजी के जौहर दिखाए और शानदार खेल पेश करके मेडल्स हासिल किए शूटिंग एक बैन अल-अक़वामी खेल है जिसको तमाम दुनिया में पजीराई हासिल है ये खेल पहली मरतबा स्विट्ज़रलैंड में 15वीं सदी के सेकेंड हाफ में खेला गया ये खेल इंडोर और आउटडोर खेला जा सकता है टीम मेंबर्स कंपटीशन पर डिपेंड करते हैं इसमें मिक्स जेंडर यानी मर्द और ख़वातीन दोनों हिस्सा ले सकते हैं इसके मुकाबले वर्ल्ड ओलंपिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स पैरालंपिक्स और नेशनल चैम्पियनशिप में होते हैं शूटिंग एक एक्सपेंसिव खेल है जिसमें शूटिंग रेंजेस गन्स एमोनिशन वगैरह की ज़रूरत होती है हमारा मुल्क इस खेल में टैलेंट से भरा पड़ा है इस खेल में इंडिविजुअल्स अच्छा परफॉर्म करके गोल्ड मेडल्स हासिल कर सकता है इंटरनेशनल मुकाबलों में तकरीबन 30 से ज़ायद इवेंट्स होते हैं जिनमें इंडिविजुअल परफॉर्म करके मेडल हासिल कर सकते हैं इसमें पिस्टल एयर पिस्टल बिग बोर राइफल एंड शॉटगन का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमारे मुल्क में अच्छे निशानाबाज को अच्छा कोच और इस खेल से मुतालिका फैसिलिटीज हासिल हों
तो पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र साबित हो सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह की सरगर्मियों को जारी रखा जाए। मुकाबले मौशरे में एक तरफ तो सेहतमंदाना सरगर्मियों को परवान चढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं और दूसरी तरफ पेशा वाराना सलाहियतों को निखारने में मावून साबित होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुख्तलिफ चैनल से आप लोग यहाँ पे आए जेलम में इस फर्स्ट एएसएफ शूटिंग चैम्पियनशिप को कवर करने के लिए। ये जो चैम्पियनशिप है, ये शूटिंग आपको पता है एक बहुत कदीम एक स्पोर्ट है और पाकिस्तान में ये मकबूल होती जा रही है बहुत ज़्यादा। शूटिंग में आपको पता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो हमेशा लीड लेते हैं, वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं और फैसिलिटीज़ भी हैं, और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के और सिविल शूटर्स जो हैं वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैं, चूँकि मेरा शुरू से ही जब से मैं आर्मी में आया हूँ तो मैं शूटिंग मेरी एक हॉबी रही है और मैं नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, तो अभी मैं समझता हूँ कि मैं सीनियर लेवल पे आके मैं कंट्रीब्यूट करूँ और एक नेशनल लेवल पे एक ऐसी इन्वायरमेंट हो जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो जिन लोगों को शूटिंग का शौक़ है, जिनमें टैलेंट है, उनको इकट्ठा किया जाए और ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर सकें। इस शूटिंग चैम्पियनशिप में हम चार डिसिप्लिन में फायर कर रहे हैं, दो शॉट गन के हैं जिसमें ट्रैप है, स्कीट ओलंपिक ट्रैप ओलंपिक्स, और दो लॉन्ग रेंज इवेंट्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। एक 800 यार्ड लॉन्ग रेंज शूटिंग कंपटीशन है और एक 600 मीटर का है। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं और इस कंपटीशन में आज तक की हिस्ट्री में, शूटिंग की हिस्ट्री में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मैचेस जो हैं ये एक हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं शूटिंग के उनको एक नए लेवल पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए हैं, बलूचिस्तान से, कराची से, सिंध से, पंजाब से, केपीके से, आर्म्ड फोर्सेस से, नेवी से, एएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, तो ये सारे मिलके ये एक स्पोर्ट है, उसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए हवाबाजी और निजकारी मोहतरम जनाब मोहम्मद मियां सुमरो साहब थे, जिन्होंने शूटिंग ग्राउंड का दौरा किया और शूटिंग कंपटीशन से लुत्फ़अंदोज़ हुए। आखिर में अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें एएसएफ के डीजी जफरुल हक साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान से आए हुए तमाम शूटर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ हाजिर हुए और इस कॉम्पटिशन का हिस्सा बने। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जो पूरे पाकिस्तान से इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाए, जिनमें हमारे शूटर्स जो बलूचिस्तान से आए हैं, जो सिंध इंटीरियर सिंध से आए हैं, कराची से, हैदराबाद से, पंजाब से, केपीके से, हमारे शूटर्स नेवी से, कराची से तशरीफ़ लाए, आर्मी के हमारे शूटर्स, मैं तमाम शूटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरी कॉल पे, एएसएफ की कॉल पे इस शानदार चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, और ना सिर्फ इसमें हिस्सा लिया बल्कि इसको एक तारीखी चैम्पियनशिप बना दिया, क्योंकि ये सबसे जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इस चैम्पियनशिप में हैं वो आज से पहले किसी चैम्पियनशिप में इतने पार्टिसिपेंट्स शरीक नहीं हुए। मैं आप सब खवातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा इसकी एक और अहमियत यह है कि इस चैम्पियनशिप में जो स्कोर्स हमारे शूटर्स ने अचीव किए हैं वो इंटरनेशनल स्कोर्स हैं, वो ऐसे स्कोर्स हैं कि जो इससे पहले किसी भी चैम्पियनशिप में शूट नहीं हुए, तो ये एक बड़ी एक ऐसी चीज़ की तरफ हमें तवज्जो दिलाती है कि इस मुल्क में शूटिंग का कितना टैलेंट है, कितनी स्किल है और कितना शौक है। तो मुझे खुशी है कि एएसएफ और आर्मी ने मिलकर ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की और आप तमाम लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिला। इसके अलावा मैं पाकिस्तान आर्मी एंड बिलखसूस आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट उनके कमांडेंट कर्नल जुनेद, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने
یہ خوبصورت فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کی، بلکہ اس میں انہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے معاونت کی، اس کو آرگنائز کرنے میں، اس کو پلان کرنے میں، اس کی ایگزیکیوشن میں. بہت بڑا ایونٹ تھا اور انہوں نے جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا، میں کرنل جنید آپ کا، آپ کے تمام سٹاف کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام شوٹرز کی جانب سے جناب منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ شوٹنگ سپورٹ جو ہے پاکستان میں، یہ بہت تیزی کے ساتھ پاپولر ہو رہی ہے اور یہ اتنے ایک پازیٹو سپورٹ ہے جو ہماری ایک ثقافت کا بھی حصہ ہے. اور نشانہ بازی کے بارے میں تو قرآن میں بھی ذکر ہے، اور یہ سپورٹ اتنی پازیٹو ہے اور اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ کے لیول پہ اس کو اگر سرپرستی دی جائے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کیا جائے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے شوٹرز انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں. میں منسٹر صاحب کی توسط سے گورنمنٹ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سپورٹس شوٹنگ کی سرپرستی کریں اور اس کو ہمیں فارم شوٹرز کو، جتنے یہاں پہ شوٹرز ہیں، اس کے علاوہ اور ڈسپلن کے شوٹرز جو یہاں پہ نہیں آ سکے، ہمیں موقع دیں کہ ہم پاکستان کی شوٹنگ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا سکیں. اور آخر میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے ہوا بازی و نجکاری محترم جناب محمد میاں سومرو صاحب نے انعامات تقسیم کیے اور کہا کہ ماشاءاللہ اس گیم میں لوگوں کی اتنی دلچسپی ہے، اس کو میں گورنمنٹ لیول پر اجاگر کروں گا. انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنرل ظفر صاحب، بریگیڈیئر عرفان صاحب، ان کے سارے ایس ایف کے رفقا، ساتھی، شرکا، منتظمین، تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارک ہو جنہوں نے ٹرافی جیتی ہیں، اور مبارک ہو تمام شرکا کو. اب ٹرافی بھی مل گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے جتنا میں کم بولوں اتنا ہی اچھا ہے. ایسے موقع پہ وہ تقریر اچھی ہے جس کی ابتدا اچھی، انتہا اچھی، اور درمیان میں فاصلہ زیادہ نہ ہو. یہ میرے لیے بھی ایک بڑا منفرد تجربہ ہے. نہ صرف یہ شوق جو ہے منفرد ہے، بلکہ ایک تسلی بخش احساس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس میں اتنا لوگوں کی اتنی دلچسپی ہے، اور یقیناً اس کی ہمت افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اور میں حکومت میں بھی اور باقی بھی بزنس سینٹر میں جو ہے پیٹرنائز کرے اس کو ضرور ذکر کروں گا. نشانہ بازی ایک بہت ہی دلچسپ مشغلہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ منفرد مشغلہ ہے، جیسے یہ بڑھتا جائے اس کے فوائد بھی بہت ہیں. یہ جذبہ دیکھ کے دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام شرکا کو، منتظمین نے جو اس میں اے ایم یو آرمی مارکسمین یونٹ، کرنل جنید صاحب، کرنل جاوید صاحب آج ہمارے ساتھ جو ہیں، جن کا تجربہ اس میں مانا ہوا ہے، سردار جمال خان کو مبارک ہو، میاں عبدالحق صاحب کو، جن کی چار پشتیں جو ہیں اس میں، اس جذبے میں جو مبتلا ہیں. اور یہ خوشی ہے کہ پوری ملک گیر جو اس میں ہے شراکت ہوئی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم آہنگی بھی ہے اور اس میں انٹیگریشن بھی ہے. میں پھر مبارک دیتا ہوں تمام جیتنے والوں کو اور شرکا کو، اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری عزت افزائی کی مجھے بلا کر یہاں آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا کہ یہاں. سارا پس منظر بڑی اچھی طرح آپ کو بتایا گیا، جنرل صاحب نے بھی اور کرنل جنید صاحب نے، کہ بھائی کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیسے ہے، کیسے ماشاءاللہ یہ جذبہ بڑھ رہا ہے، اور مجھے اس کا مستقبل بڑا روشن نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اور ایسے جو ہے ٹورنامنٹس ہوتے رہیں گے، مقابلے ہوتے رہیں گے، معیار بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ اولمپکس میں بھی ہمارا نام پیدا کریں گے جس طرح ہم نے دوسرے کھیلوں میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں. پاکستان پائیدار. We'll be right back.